लड़ लाइन को एक शब्द बोलना चाहूंगा। 2 रुपए का ब्लीच अपने सर पे लगा के अपने आप को गोकू समझता है, तुझ जैसे मैं जमादार रखता हूँ रामकोर। सिंह साहब आपके लिए थोड़ा बोलना चाहूंगी, मेरा नाम लेके तुमने कर लिए बहुत ओवर एक्टिंग, आज का बस हुआ, नहीं होने वाली यहाँ कोई तुम्हारी सेटिंग। ताऊ के लिए तेरी बात सुन के मैं तेरी क्या दाद दू, तेरी बात सुन के तेरी मैं क्या दाद दू, तू मुंह खोल मैं तेरे मुंह में पात दू। ताऊ को ही नॉमिनेट करना है सबसे पहले, अगर ताऊ नहीं तो वो लोग नहीं। ताऊ नहीं गया तो सुनो, अगर ताऊ नहीं गया आई एम आउट, मैं छोड़ दूंगा भाई, मैं सच बात बता रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई पलटी ना मारे, अपने को अपनी बचानी है क्योंकि ये इन लोग अपनी बचाने के चक्कर में हमारी ना मार ले। हे लॉन्डो, क्या हालचाल? वीडियो शुरू होने से पहले मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही ऑसम एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम है विंजो गोल्ड और इसमें आप गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे आप खेल सकते हो लाइव टूर्नामेंट्स जहाँ पे आप कम्पीट करोगे रियल प्लेयर्स के अगेंस्ट फॉर द प्राइज मनी, एंड यू कैन ऑल्सो प्ले पजल्स एंड फैंटेसी लीग्स टू अर्न सम इजी मनी। और इस ऐप में जो मेरा फेवरेट फीचर है कि इसमें आप 1-on-1 गेम्स भी खेल सकते हो, मतलब आप सिंपली इन्वाइट कर सकते हो अपने किसी फ्रेंड को और कोई भी गेम खेल सकते हो वर्सेस देम, और एंड में जो भी सबसे ज्यादा स्कोर करेगा he will get the winning amount। मतलब गेम का गेम, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट, और ऊपर से आप पैसे भी कमा रहे हो। और एक चीज बता दूं कि इस ऐप के थ्रू आपकी जितनी भी अर्निंग होगी वो आप डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो अपने पेटीएम अकाउंट में, और इसमें विड्रॉल की मिनिमम लिमिट है ओनली 3 रुपीज। बाकी इसमें रेफरल फीचर भी अवेलेबल है जिसमें आप दूसरे लोगों को ये एप्लीकेशन रिफर करके भी पैसे कमा सकते हो। तो गाइज, मुझे तो पर्सनली ये गेम खेलो और पैसे कमाओ वाला कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, सो आप भी एक बार जरूर ट्राई करना। डाउनलोड लिंक दे दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से ऐप डाउनलोड करने पे आपको मिलेगा 10 रुपए का साइन अप बोनस। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस एप्लीकेशन, एंड नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। ये है बिग बॉस का घर, ये देखो जिम्मी, लड़के दिखे नहीं जिम्मी पहले आता है। अरे 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 यार, हेलो पूजा दी, क्या तुम्हारा दिल और मेरा दिल इससे ऐसा मिला है जैसे कि भाई प्यासे को पानी मिल गया हो, ऐसा ना मिला है यार। बूंदा पकड़ के मारूंगा, पटाखा मेरी है। अबे ओ तुम भाई, तुम्हारी 10-10 होती है भाई, दूर जाओ तुम। अबे ये क्या चल रहा है, अबे ये। तो आज मेरे को एक मौका मिला है कि मैं बिग बॉस में जाऊं और पैसे कमा सकूं जीतने के बाद, और मैं जीत के जाऊंगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि मेरे लिए एक थोड़ी फ्लेक्सिबल कुर्सियां मंगवाओ यार, यहां पे मेरे बीच में थोड़ा एलर्जी हो रखा है, मेरे से पैर जोड़ के बैठा नहीं जा रहा है। थैंक यू। अरे रे दे रे, अरे मोटा भाई आप इतने गरीब हो यार, हमको रोना आ गया। अब हम चाहेंगे कि इस पूरे धुरंधर में से जो हमारी पहली सुंदर कन्या है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, हम चाहेंगे आप आए स्टेज पे। बस मैं अपने फ्रेंड्स बनाने आई हूँ, और काफी लोगों को मैं यहाँ पहले से जानती हूँ, काफी सारे मेरे यहाँ पहले से बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है गेम में। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, बस दिल से खेलेंगे। क्या बात, क्या बात, मुंह की बात छीन ली थी। क्या बात भाई, ऐसी ऐसी प्यारी बात के लिए सब लोग तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। अब हम चाहेंगे कि आप में से कोई एक एकदम जो सबसे उत्सुक है वो स्टेज पे आए और अपनी दर्द भरी कहानी सुनाए। कौन आना चाहेगा? गया। जी मैं बता रहा हूँ सर, एक्चुअली माई सेल्फ सरिजीत। तो आप देख रहे हो जो कुड़ी है वो एक सुंदर सी नारी, जो आप जिसको पटाखा बोल रही हो, वो बोलेगी वो किसी के साथ कुछ किए नहीं है, पर मैं दुख की बात बता रहा चाहता हूँ, बहुत रोना रहा है वो। 2 रुपए के कारण मुझे छोड़ दिया था वो बहुत दूर वाले सिटी में, तो तब से मैं था एक डॉन था, मैं इनसेन भाव था, तब से मैं चेंज हो गया, अपना नाम घटिया वाला सिंगर में ऐड कर दिया और मेरा नाम सरजीत सिंह हो गया। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने लाइक इतना ज्यादा सपोर्ट करा है मेरे को हमेशा। वेलकम वेलकम वेलकम। जब मैं मेरे बुरे वक्त में था तो मैं यहाँ पे मेरे कुछ बहुत ही अजीज और खास दोस्त हैं, वो हमेशा मेरे साथ थे। बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इस घर में जो भी हो, जितनी भी लड़ाइयाँ हो, वो सब ऐसे लाइक ऐसा ना हो कि हम घर के बाहर जाके भी लड़े, वो ऐसा ना हो कि हमारी दोस्ती में दरार आए। एंड दुख भरी कहानी ये है कि मैं आ रहा था और मेरे को सब लोग भूल गए, मैं अपनी गाड़ी से आया हूँ गाइस। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, आप लोग भूल गए।
हम सब शुक्रिया जो कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हम आने का मतलब मौका दिया, और गाइस सबको मैं जितना ही बोलूंगा ऑल द बेस्ट, पर जीतूंगा तो मैं ही, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम्हारा हमसे कॉम्पिटिशन है। जैसा कि आप लोग ने देखा ये थे हमारे ताऊ जी, हम यहाँ पे स्वागत करना चाहेंगे स्टेज पे द वन एंड ओनली द टिल्लू द भाई। अरे भाई मुझे सिगार की शपथ है, सो मैं जीतूंगा वरना सिगार मरता है। ये आप देख सकते हैं सामने बैठे हुए एक से एक धुरंधर खिलाड़ी, या हम एक से एक दिग्गज कलाकार यहाँ पर आए हैं, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि ये मोटा भाई देखो कैसे बैठे हैं एकदम अपने अलग ही स्टाइल में, दूसरे उनके बाजू में जो उनकी बाहों में बैठे हैं हमारे प्यारे ताऊ। एंड मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं सबके साथ मैं आगे मतलब ऐसे ही हम मस्ती करते रहे, हार जीत तो होती रहती है, उसका कोई हमको दिक्कत नहीं है। हम धन्य हुए आपकी बात सुन के सर। गाइस सब लोग एक बार तालियों से तालियों से हमारे लोग मजा आ गया जी। जेल भी है जो है ना वो है हमारा, उसको जिसको सबसे पहले हमें टारगेट करना है, और टारगेट मतलब नॉमिनेशन से समझ रहे हो ना सब। बिल्कुल 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 हाँ, तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए टिल्लू, समझ रहे हो ना। इन लोग मोटा और ताऊ इन लोग सब लोग प्लान बना रहे कि निकालना है नॉमिनेशन के लिए किस किस को, तो उस हिसाब से उन लोग देख रहे हैं, तो अपने को भी प्लान बनाना ही पड़ेगा कुछ भी करके। अरे रुक रुक, मोटा ताऊ त्रिपाठी ये तीनों का अलग प्लान है, वोट आउट करने की कोशिश करेंगे लोग। सुनो जिमी मैं भी नीचे सुन के आया हूँ, ये मोटा और त्रिपाठी सबको सोच रहे हैं, सबको साथ लेंगे, सबसे पहले इन त्रिपाठी और मोटा को निकाल। लड़ का जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट है कि मास्टरमाइंड ताऊ है। हाँ, और सबसे पहले चीज कि जो जो दिमाग लगा रहा है उसको पहले देखो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई पलटी ना मारे भाई, भाई बोल के कुछ और ना। मैं वही बोल रहा हूँ, अपनी तो सब लोग बचाएंगे, अपने को अभी देखना है कि अपने को अपनी बचानी है, क्योंकि ये इन लोग अपनी बचाने के चक्कर में हमारी ना मार ले। प्लीज आप लोग अपना टास्क एकदम ध्यान से सुनना। आप दो टीमों का टास्क है कि आप दोनों टीमों को एक दूसरे को गुस्सा दिलाना है, टीज करना है, ठीक है? पर आप कुछ भी गालियों का अब्यूजिव वर्ड यूज नहीं कर सकते, ठीक है? ये सबसे पहले मोटा भाई को समझा दो, ये प्लीज मोटा भाई को समझा दो। मोटा भाई टीवी देख रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ब्लडलाइन की टीम अगर जीतती है, ठीक है, हम लोग अगर डिसाइड करते हैं कि ब्लडलाइन की टीम जीती है, तो फिर आप लोग आपस में डिसाइड कर सकते हो कि आप लोग किसको कैप्टन रखना चाहोगे। सुनो मेरी बात, बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले अगर हम मोटा को वो करेंगे ना ट्रिगर कर देंगे, तो वो बाकी लोग अपने आप धीरे धीरे ट्रिगर होना स्टार्ट हो देंगे। अबे सबसे पहले तुम सरजीत सिंह संभालो पटाखा, मैं एंटी संभालता हूँ, ब्लडलाइन तुम त्रिपाठी संभालो, और सिगार तुम मोटा। मैं अपने आप को संभालूंगा भाई, मैं खुद बहुत जल्दी ट्रिगर होता हूँ। बात सुनिए, बिग बॉस आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सबने एक बार रूल्स जान से समझ लिए होंगे, आपको एक दूसरे को टीज करना है बिना गाली दिए, क्योंकि ये जो शो है ये नेशनल टेलीविजन पे बच्चे से लेके बड़े तक सब देख रहे हैं, तो तहजीब बनाए रखें प्लीज। दिस इज लास्ट वार्निंग मिस्टर त्रिपाठी, डोंट मिसबिहेव। आप सब तैयार है कार्य के लिए, तो क्या हम कार्य स्टार्ट कर दे? हम तो एकदम जी ले। मैं दोनों ही ग्रुप को बताना चाहता हूं कि जो भी ये ग्रुप अच्छे से टास्क करेगा वो कैप्टन भी बन सकता है, कैप्टन के लिए उसकी सिलेक्शन हो सकती है। सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारे पहले कंटेस्टेंट है मोटा सर, तो मोटा सर आए प्लीज। यस हाँ, तो सिगार को कहना चाहता हूँ भाई तू क्या कॉम्पिटिट करेगा, तुम्हें तो गुस्से में अपना कंट्रोल नहीं है, कुछ भी होगा तुम्हारा टीम वाले तुम ऐसे मार मार के फेंक दोगे, तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ। और ब्लडलाइन को मैं बोलना चाहता हूँ भाई ये क्या बाल का कलर का भाई, सुपर सैयन ब्लू बन जाएगा क्या अभी बन के, ऐसे काम में हामे करके मारेगा क्या? शक्ल तो ले आए, साथ में थोड़ा टैलेंट भी ले आते ब्लडलाइन जी अपने साथ, बस ये बोलना चाहता था मैं। ओ भाई क्या बोल रहे हो, डेली ले 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 ओके 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 आई नो ओपोजिट टीम से आ रहे हैं ब्लड। सबसे पहले तो हम एंटी सिल्वर जी को टारगेट करना चाहेंगे, सबको पता है पहले दिन से लाइन है, नाड़े में डलता है दोरा तेरे भाई का लकटोरा, और सबको पता है तू है एक बेबी सिटर, जाके बच्चे संभाल ला, तू यहाँ क्या आया अभी?
पिल्लू तेरे बालों को देख के मुझे एक ही बात याद आती है, जो मेरी मम्मी बाजार से मोप लेके आती थी उससे मैं झाड़ू लगाता था। अब मेरे को लग रहा है कि मैं तेरे बालों से इस घर में झाड़ू लगाऊंगा। हमारे सबसे महान ऑफिसर, हमारे एक प्रिय से शहर के त्रिपाठी द चोमू, एक नोन एज चिंदी चोर, जो सबकी वेपन चुराते थे। चिंदी तेरे लिए की बात है कि तेरी वर्दी तो बड़ी अच्छी बट तू नहीं अच्छा। भाई यू शुड गेट फायर्ड फ्रॉम पीडी चिंदी। मोटे हैला तेरे से पटी नहीं, यहाँ क्या आया है तू पटाखों को पटाने? पटाखे पे लाइन मारने से कुछ नहीं होगा, पहले अपना वजन घटा ले। So, ये देख के आ गया अपने को मजा भाई। ओके ओके, दोनों ही टीमें एकदम कड़क परफॉर्मेंस दे रही है। सो बोटा भाई, अब आपकी टीम से कौन आ रहा है? टिल्लू। अच्छा टिल्लू जाओ, टिल्लू जाओ, टिल्लू जा। ब्लड लाइन को एक शब्द बोलना चाहूंगा, 2 रुपए का ब्लीच अपने सर पे लगा के अपने आप को गोकू समझता है, तुझ जैसे मैं जमादार रखता हूँ आरामखोर। पटाखा जैसी मेरे घर में माफिया होती है, मैं ऐसी माफिया रखता हूँ अपने घर में। ये थे हमारी मोटा भाई की टीम की तरफ से टिल्लू। अब हम चाहेंगे कि ब्लडलाइन की टीम की तरफ से कौन आ रहा है, प्लीज हाथ उठा के। मैं बिग बॉस, मैंने वैसे आपसे एक चीज पूछनी है, क्या ये शहर में कोटा या रिजर्वेशन चलते हैं क्या? नहीं तो हम सारे जवान है, तो ये सीनियर सिटीजन कोटा से ताऊ यहाँ क्या कर रहा है? ओह माय गॉड, बड़ा भाई। सो गाइस, अभी थे हमारे बीच में ब्लडलाइन की टीम की तरफ से सिगार सर, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब मोटा भाई की टीम की तरफ से कौन आ रहा है? सबसे पहले जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन मतलब तुम लोगों के जो ग्रुपिज्म है उसका हमको कॉम्बिनेशन अब तक समझ में नहीं आया। एक का नाम है शिगार, एक का नाम है पटाखा। मतलब शिगार को लगाओगे पटाखा में तो पटाखा फूटेगा, और ब्लड लाइन मतलब ब्लड ही ब्लड हर जगह, अलग ही जगह है यार। मतलब खुद में ही फूट जाओगे। ताऊ नाम खराब आया, तू नाम खराब करके आया है। हम आएंगे जिमी, मोटे के लिए कुछ है। बंदर सा सूरत तेरा, सुअर सा मुस्काना, हाइट तेरी देख के, वेट तेरा देख के कुत्ता भी हैरान हा। दूसरी चीज ताऊ के लिए, तेरी बात जो तूने बोली थी तो उसके लिए तेरे को बोलता हूँ एक चीज, तेरी बात सुन के मैं तेरी क्या दाद दू, तेरी बात सुन के तेरी मैं क्या दाद दू, तू मुंह खोल मैं तेरे मुंह में पात दू। तीसरी हम सिल्वर के बारे में बात करेंगे। यहाँ से खाली चिल्ला के मैं फूंक भी दू ना तो बोलेंगे कि ये ना हमको मार दिया, हमको ये कर दिया, और दूसरा बोलेंगे कि सपोर्ट पे आओ। क्या चाहूंगा सिगार के बारे में, ठीक है? मैं तेरा सिगार मारता है 10 सेकंड में 3 बार हो है तेरे को 3 दिन में हुए जलाब। कुछ भी ची, कुछ भी ये क्या हुआ है? त्रिपाठी आज आप स्टेज आपका है। सो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सिगार तू इधर भी क्यों आया? तेरे जैसे को तो मैं जलाता हूँ, फूकता हूँ और पैर से मरारो देता हूँ और चला जाता हूँ। डर लाइन प्लीज डेटॉल से मत नहाना, डेटॉल कीटाणु मारता है। मैं तेरे को खोना नहीं चाहता। एंड पटाखा प्लीज अपना वो ओरिजिनल सूरत किसी को मत दिखाना, पता है ये 5 किलो का मेकअप लेके बहुत घूमते हो। एंड जिमी, अरे तुझे क्या बोलूं भाई, तू तो ड्यूटी से ज्यादा करप्शन ज्यादा करता है, और क्या बोलूं तेरे को। पटाखा द स्टेज इज योर्स। ओके, तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी एंटी के लिए, सिल्वर कब शुरू होते हो कब खत्म? प्ले स्कूल खुला है साइड में, जाके पढ़ लो थोड़ा तुम। सिंह साहब, आपके लिए थोड़ा बोलना चाहूंगी, मेरा नाम लेके तुमने कर लिया बहुत ओवर एक्टिंग, आज का बस हुआ, नहीं होने वाली यहाँ कोई तुम्हारी सेटिंग। तो ये थोड़ा एक्शन हमको देखने के मिला। ओके सो गाइस, आप लोग को रिजल्ट जो है वो 2 मिनट में अनाउंस हो जाएंगे, तब तक आप लोग दिल थाम के बैठिए।
अरे यार मेरे पास और सारे बहुत सारे थे, मेरे को चांस दिया होता तो फाड़ के रख देता उनकी। तो पता है अगर हमने ये चीजें खुले में बोली होती ना, वैसे ही अगर कोई स्पेक्टेट नहीं कर रहा होता, ऐसे खड़ा था वहाँ पे, तो तब तो ये भून जाते। अपना बेटर था, अपनी पंचलाइन बेटर थी और हमारे दिमाग में बहुत ओपी ओपी हुआ था। बट ताऊ को ही नॉमिनेट करना है सबसे पहले, अगर ताऊ नहीं तो वो लोग नहीं। ताऊ नहीं गया तो सुनो, अगर ताऊ नहीं गया आई एम आउट, मैं छोड़ दूंगा भाई, मैं सच बात बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब आ चुकी है रिजल्ट की घड़ी। आप लोगों को पहले एक चीज मैं ये बता दे रहा हूं कि अभी आप में से जो भी ग्रुप जीतेगा उसमें से आप सभी ग्रुप की सहमति से कोई एक कैप्टन बनेगा। जैसा कि जो वोट हमारे पास आया है उस वोट से हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्लड लाइन आपकी टीम जीत चुकी है। और हम चाहते हैं कि ब्लडलाइन की टीम में से ये बता दें कि उनका कैप्टन कौन बनना चाहिए। बिग बॉस हमें सिर्फ 20 सेकंड चाहिए, हमें एक और बार कंफर्म करना है। एक काम करो, पटाखा कोई बना दो, पटाखा को बना देते हैं, क्योंकि देखो सिंपल चीज है, अगर कुछ भी आ गया कोई भी, वी रिस्पेक्ट वुमेन एंड गर्ल पावर। क्या आप बता सकते हैं कि आपने क्या डिसाइड किया? गेमर बॉय थैंक यू सो मच सब्सक्राइब। जी जी बिग बॉस, हमारी टीम से बिग बॉस पटाखा जी कैप्टन बनेंगे इस घर की। इट्स ऑल अबाउट हाउस, इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट हाउस। यू आर द कैप्टन ऑफ हाउस। जी बिल्कुल, मैं आपसे इस बात से सहमत हूं और मैं बताना चाहता हूं कि पटाखा आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन, आप हमारे नए घर के पहले टास्क के विनर हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि अब टाइम हो चुका है अलविदा लेने का। आप सबने आज बहुत बेस्ट ट्राई किया, तो आप सभी को गुड नाइट। थैंक यू बिग बॉस, बाय बाय बिग बॉस।